दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस वाले फ़ोटो को एडिट करने वाला हूं, जिसे एडिट करने के बाद ये फ़ोटो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, जो कि एकदम DSLR के फ़ोटो के जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूं वो है एडोब लाइटरूम। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इसे सिंपली गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा जिन्होंने अभी तक एडोब लाइटरूम में एडिटिंग नहीं किया है। तो इस फ़ोटो के एडिटिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को बेसिक जो ट्यूटोरियल होता है वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन का क्या काम होता है और किस तरीके से आप लोगों को एडिट करना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिशंकर चौधरी और आप देख रहे हो चौधरी टेक वर्ल्ड। ओके गाइज, तो सबसे पहले आप लोगों को फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है लाइटरूम में। लाइटरूम में इंपोर्ट करने के बाद सिंपली सबसे पहले इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए कुछ इस तरीके से क्रॉप करने के बाद सिंपली आप लोगों को इस फोटो का जो कलर है उसे एडजस्ट कर लेना है। कलर को एडजस्ट करने के लिए इस लाइट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को एडजस्ट करेंगे। आप अपने मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डाउन करेंगे और हाइलाइट्स को थोड़ा सा अप। उसके बाद शैडो को थोड़ा सा डाउन और वाइट्स को हल्का सा अप। ओके, तो यहाँ से हमारा लाइट में जो सेटिंग्स था वो सबको हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से डीहेज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा निखर जाए। ओके, तो इसके बाद से यहाँ कलर्स वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से मिक्स्ड कलर जो है इसमें आना है। इसके बाद जो हमारा ब्लू कलर है स्काई का, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसके सेचुरेशन को फुल कर देंगे। इसके बाद हमारा जो ग्रीन कलर है इसको भी कुछ इस तरीके से डाउन करेंगे और यहाँ से सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज करके कुछ इस प्रकार से बना दिया। इसके बाद दोस्तों फिर से इस वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से डाईहेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। ओके, तो इंक्रीज करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमारा फ़ोटो। उसके बाद आप कलर्स में फिर से आ जाइए और मिक्स्ड कलर में हमारा ये जो शर्ट है, शर्ट के कलर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो शर्ट का कलर रेड है तो रेड कलर को सेलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ाएंगे। सेचुरेशन को बढ़ाने पे हमारे फेस का भी कलर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसको कम करने के लिए ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा डाउन इंक्रीज करेंगे। ओके, इसके बाद से यहाँ डन करेंगे और डन करने के बाद फिर से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से थोड़ा सा वैग्निटी को इन डाउन करेंगे लगभग 30% तक। ओके, तो हमारा फ़ोटो रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार से बन चुका है, जो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब इस फ़ोटो को सेव करने के लिए सिंपली यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आना है और सेव टू द डिवाइस पे क्लिक करना है और इसे हाई अवेलेबल क्वालिटी में ओके कर देना है। तो यहाँ से हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से आप लोगों को एडिट करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।